वहीं पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बृहस्पति कुंड क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं और इसी कुंड से निकलकर बहने वाली एक छोटी सी नदी में चाल हीरे की छोटा मोटा खोज सकते हैं। बेरोजगारी का आलम है इसलिए अपना पेट चलाने के लिए मजदूरी का काम करते रहते हैं, लेकिन 12 मार्च को पन्ना जिले की सीमा से जुड़े हुए सतना वन विभाग के कर्मचारी और बरौंदा थाना के पुलिस कर्मियों ने मिलकर अचानक धावा बोल दिया और इन आदिवासी पुरुष महिलाओं से मारपीट की। आरोप है कि मामले को लेकर करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं और 2-3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। ऐसी हालत में इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पन्ना से संवाददाता रमा शंकर द्विवेदी की रिपोर्ट। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, पैर टूटा हुआ है इसका, और एसडीओ और इसकी बात कर रहे हो तुम, हैं? भगवान हो गए आप लोग, वन विभाग के लोग भगवान हो गए, किसी को ही मारेंगे गरीब को। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो आप, आपका एसडीओ ठीक मना बता रहा है, इसकी जांच कराइए इमीडिएट, मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। और ये एसडीओ कौन है, इनको ठीक कर देंगे, कौन है जिन्होंने किया है, ये कोई तरीका होता है क्या है? भाई गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मार रहे हैं, आप बताइए ना क्या बात है, कानूनी कार्रवाई क्या है, मारने का किसने अधिकार दिया है भाई? उसका पैर टूटा है बेचारे का, गरीब का, देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर। इनका इनका पूरा डिटेल बताओ और ये कौन ने किया, कौन लोग मार? हम आए हैं बरहे से आए हैं, हम गए थे काम करने तो वहाँ 10 बजे के लगभग पुलिस होता रहे आई और फॉरेस्ट गार्ड, तो हमको रगड़ने लगा, मारने लगा, और कुल्हारी लिए थे, बका लिए थे, वो काटने फोड़ने लगा, मोटर सेक्शन डिलीवरी मोटर लेगे। हाँ ऐसे कितने लोगों के साथ में मारपीट की है? मारपीट ऐसे हो गया है 4-6 लोगों के ज्यादा, और 2-3 और कुछ तो भाग दिन है, लबधब धम आ रहा था, भागा खदान खोदते थे, ककड़ू मचाते थे, वो निकलती है वहाँ नदी में। जैसा कि आपने बताया कि जो बृहस्पति कुंड है उसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पर अवैध खनन की कार्रवाई चल रही थी, जिसके चलते जो है वहाँ पे फॉरेस्ट और जो सतना पुलिस है उसके द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि उनको चोटें लगी हैं, तो इस प्रकार का एक आवेदन उन्होंने मुझे सौंपा है, तो उसको मैंने एक बार SDOP अजयगढ़ को जाँच के लिए दिया है और उसमें जुरिस्डिक्शन जो भी डिसाइड होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।